स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में 30 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में लोकेटेड C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव रखी, जहां अब C-295 एयरक्राफ्ट को मिलिट्री यूज के लिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट टाटा कंपनी द्वारा स्पेन बेस्ड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों, C-295 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला ऐसा पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन होगा जो किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा कंप्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा ऐसा पहली बार होगा जब C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर किसी देश में खुद मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों, C-295 एक बेहद वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। ट्रूप्स और गुड्स को सपोर्ट करने के अलावा ये पैराशूट और कार्गो ड्रॉपिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन और मैरीटाइम पेट्रोलिंग जैसे मिशंस को भी इफेक्टिवली कंडक्ट करने में कैपेबल होगा। साथ ही इस एयरक्राफ्ट को सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टाटा एयरबस डील में तय किए गए 40 एयरक्राफ्ट्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर और भी एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। IEF के वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह बताते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के 50 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने के बाद IEF C-29 एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे, जहां हम इस एयरक्राफ्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे, कैसे ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेगा और कैसे इस एयरक्राफ्ट को सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। इन सब के अलावा हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इस एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई एड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ hours का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 14th of November इवनिंग 6 PM से हो रही है। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ईयर 2012 में इंडियन एयरफोर्स को एवरो HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की नीड फील हुई। इंडियन एयरफोर्स ने 1960s में 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए थे और तब से IEF ने इन एयरक्राफ्ट्स को टैक्टिकल ट्रांसपोर्टर की तरह यूज किया है। लेकिन पुराने होने के कारण एयरक्राफ्ट्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड भी हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, HS-748 एयरक्राफ्ट में रियर रैंप नहीं है और ये केवल ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सूटेबल है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं। इसीलिए IEF को इन्हें अर्जेंटली किसी एडवांस वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने की नीड रियलाइज हुई। मई 2013 में वर्ल्ड वाइड सारे मेजर डिफेंस कंपनीज को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया, लेकिन सिर्फ टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TASL और एयरबस कंपनी की C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के जॉइंट बिट को ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC द्वारा साल 2015 में अप्रूवल मिल पाया। फाइनल डील साइन होने में किसी रीजन से डिले हो गया, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्फिडेंशियल रखने का डिसीजन लिया है। प्रपोजल के अप्रूवल के 6 साल बाद फाइनली सितंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट के लिए 22,000 करोड़ रुपीस की डील साइन करी। डील के तहत पहले 16 एयरक्राफ्ट्स को एयरबस सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया को डिलीवर करेगा और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट्स TASL एयरबस के पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चर करेगा। फर्स्ट मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा और बाकी बचे 39 एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन अगस्त 2031 तक कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। दोस्तों, C-295 एक 5 से 10 टन की कैपेसिटी वाला न्यू जनरेशन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर पर आर है।
C-295 को दो पायलट्स मिलकर ऑपरेट करते हैं और ये 71 पैसेंजर्स और 50 पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। एयरबस कंपनी के अकॉर्डिंग C-295 एयरक्राफ्ट इसके दूसरे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा गुड्स कैरी कर सकता है और इसके रियर रैम के थ्रू उन गुड्स की डायरेक्ट ऑफ लैंडिंग कैरी आउट कर सकता है। इसके अलावा C-295 डे एंड नाइट सारे वेदर कंडीशंस में और सारे टाइप के टेरेन्स पे ऑपरेट कर सकता है। एयरबस के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट ब्राजीलियन जंगल और साउथ अमेरिका के कोलंबियन माउंटेन से लेकर अल्जीरिया और जॉर्डन के डेजर्ट और यूरोप में पोलैंड और फिनलैंड के कोल्ड क्लाइमेट तक सारे जगहों पे ऑपरेट कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट चैड, इराक और अफगानिस्तान में हुए मिलिट्री ऑपरेशंस में भी शामिल था। C-295 अपने शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी STOL कैपेसिटी की वजह से शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स पे भी ऑपरेट कर सकता है। ये 2200 फीट लॉन्ग जितने एयर स्ट्रिप्स और लो लेवल ऑपरेशंस के लिए 110 नॉट्स जितने लो स्पीड तक फ्लाई कर सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट की सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसकी वर्सिटैलिटी। एयरबस कंपनी इसे दुनिया का मोस्ट वर्सटाइल और एफिशिएंट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बताता है। एयरबस के अकॉर्डिंग C-295 एयरक्राफ्ट्स को कई डिफरेंट वेरिएंट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और वापस से ट्रांसपोर्टेशन वर्जन में भी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे एज वाटर बॉम्बर, एयर टैंकर और मेडिकल इवैक्यूएशन पर्पस के अलावा VIPs को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है और इसके लगभग मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स को इजीली वापस से ट्रांसपोर्टर वर्जन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी वर्सेटाइल रोल ऑन रोल ऑफ सिस्टम C-295 को एक एफिशिएंट वाटर बॉम्बर में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, जो कि 7000 लीटर वाटर या रिटार्डेंट स्टोर कर सकता है और इसे फॉरेस्ट फायर बुझाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट में एक मल्टी मिशन रडार फिटेड है और इससे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस ऑपरेशंस और क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। इसकी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वर्जन में C-295 मोस्ट एडवांस 360 डिग्री कवरेज कैपेबिलिटी वाले AESA रडार की मदद से एयर स्पेस की फुल पिक्चर ऑब्टेन कर सकता है। इसके अलावा C-295 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के भी काम आ सकता है। इसकी रिमूवेबल रिफ्यूलिंग किट की मदद से ये एक एयर टैंकर में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और ये फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट्स को अप टू 6000 किलोग्राम तक फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसकी C-295 पर्सुएडर वेरिएंट को मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो C-295 एयरक्राफ्ट की टोटल लेंथ 24.46 मीटर, हाइट 8.66 मीटर, विंग स्पैन 25.81 मीटर और विंग एरिया 59 स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा C-295 की कैबिन की लेंथ 12.7 मीटर और ये इस क्लास के सभी एयरक्राफ्ट्स में सबसे लॉन्गेस्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड कैबिन है, जिसमें 71 सीट्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। बात करें इसकी वेट की, तो C-295 की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 21,000 किलोग्राम है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट 20,700 किलोग्राम है और मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट 18,500 किलोग्राम है। वहीं इसकी फ्यूल कैपेसिटी 7,650 लीटर्स है। ग्लास कॉकपिट इस एयरक्राफ्ट की एक और स्पेशल फीचर है और इसके कॉकपिट में डिजिटल एवियोनिक्स लगे हुए हैं, जिसमें 4 6x4 इंचेस के एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले शामिल हैं और ये नाइट विजन गॉगल से भी विजिबल होते हैं। C-295 की एडवांस इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम और इसके मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले जिसे इनहैंस सिचुएशनल अवेयरनेस और फाइट सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं और पायलट्स के लिए इसे ऑपरेट करना इजी हो जाता है। लास्टली, इस एयरक्राफ्ट में कनाडा बेस्ड प्राट एंड विटनी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 2 PW1 27G टर्बो प्रॉप इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे C-295 एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस। C-295 को डिफेंस एक्सपर्ट्स एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट बताते हैं, जो कि सारे एनवायरनमेंट में मल्टी रोल ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के इन्हीं स्पेसिफिकेशंस की वजह से C-295 इंडियन एयरफोर्स की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज एनहांस करने में मदद करेगा। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस एयरक्राफ्ट को सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग C-295 एयरक्राफ्ट्स को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और डिजास्टर रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेजेंटली इंडिया हर नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड हो गया या फिर कोई और भी कैलमिटी आ गई या किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराना हो या फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लार्जली C-130J एयरक्राफ्ट्स पर डिपेंडेंट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि C-295 C-130J हरक्यूलस के ऊपर से स्ट्रेस कम करेगा। शिव अरूर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, बताते हैं कि C-295 एक मिनी हरक्यूलस है। C-295 में वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो C-130J में हैं।
उदाहरण के तौर पे C295 में भी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी है, रफ सरफेस पर लैंडिंग कैपेबिलिटी है और ये सारे वेदर कंडीशंस में डे एंड नाइट ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसका टर्न अराउंड टाइम काफी कम है, यानी कि ये जब लैंड होता है तो काफी कम समय में ही अपने रियर रैम को खोलकर लोगों को सामान देकर वापस उड़ सकता है। इसके अलावा इसमें दूसरे एयरक्राफ्ट से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं और इसके कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज होने के कारण ऐसी जगहों पर भी पहुंचकर रिलीफ प्रोवाइड करा सकता है जहां बड़े एयरक्राफ्ट का लैंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा C295 24 स्ट्रेचर्स और 7 मेडिकल अटेंडेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है, तो किसी भी इमरजेंसी या क्राइसिस की सिचुएशन में इसे लोगों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से C295 केवल बैटलफील्ड में ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों C295 मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के बाकी सारे एडवांटेजेस में से एक ये भी है कि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट प्रोवाइड करेगा। जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया, ऐसा पहली बार होगा कि C295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर किसी देश में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इंडिया ऐसा करके C295 मैन्युफैक्चर करने वाला वर्ल्ड का 12th कंट्री बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस एयरक्राफ्ट के 96% पार्ट्स इंडिजिनसली बिल्ट होंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबली और टेस्ट और क्वालिफिकेशन से लेकर डिलीवरी और मेंटेनेंस तक का काम इंडिया में होगा और इससे सिर्फ टाटा कंपनी को ही नहीं बल्कि इंडिया के और भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बेनिफिट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिलीज एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस एयरक्राफ्ट के 13,400 पार्ट्स, 4,600 सब असेंबलीज और सारे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट असेंबलीज, टूल्स, जिग्स और यहां तक कि टेस्टर्स भी इंडिया के 125 एमएसएमईज द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, सभी के सभी 56 एयरक्राफ्ट्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप किए गए इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साइट यूज किए जाएंगे। हालांकि जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं जैसे कि इंजन्स, एवियोनिक्स, ईडब्ल्यू सूट, लैंडिंग गियर इत्यादि एयरबस कंपनी इंडिया को सप्लाई करेगा और फिर टाटा कंपनी द्वारा ये सारे पार्ट्स इंटेग्रेट किए जाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यह प्रोजेक्ट इंडिया की डोमेस्टिक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को इन्हांस करेगा और इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस को भी कम करेगा। सिर्फ यही नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया दूसरे कंट्रीज को भी एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता नजर आएगा। इसके अलावा C295 मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जॉब्स भी क्रिएट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली 600 हाईली स्किल्ड जॉब्स और 3000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा और इसके अलावा 3000 मीडियम स्किल्ड जॉब्स भी क्रिएट करेगा। दोस्तों C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का लॉन्च इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से देश की एविएशन इंडस्ट्री एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन को अचीव करेगी। सिंस इस एयरक्राफ्ट के मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिजिनसली बिल्ड किए जाएंगे, ये एयरक्राफ्ट इंडिया के डिफेंस बजट को भी कम करेगा और एयरक्राफ्ट की ओवरऑल प्राइस कम होने की वजह से दूसरे देश भी इसे परचेस करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। इस तरह C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया को डिफेंस के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाएगा बल्कि इंडिया इसे दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर पाएगा। दोस्तों ये थी एक एनालिसिस C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट और C295 एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपके यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अटेनिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई affordable.